भारतीय चाय उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इंटरनेशनल और घरेलू दोनों मार्केट द्वारा भारतीय चाय की खेप को लौटाने के बाद इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि चाय की पत्तियों में कीटनाशक और रसायनों की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण खरीदारों ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। अब चाय की कीमतों में 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट से उत्पादकों की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में चाय की पत्तियों का भाव में 27 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है और इसकी कीमत 214 रुपए प्रति किलो से गिरकर 187 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तो वहीं चाय उद्योग इस बात से चिंतित है कि कहीं इसकी वजह से दूसरे सीजन के दौरान चाय की कीमतों पर और असर न पड़े। इस पर किसी भी तरह का असर चाय उद्योग को प्रभावित कर सकता है। देश में बेची जाने वाली सभी चाय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन की वजह से चाय की पत्तियों पर कीटों का हमला बढ़ गया है, जिसकी वजह से चाय के बागों में कीटनाशकों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई है, ताकि चाय की पत्तियों को कीटों से बचाया जा सके। अक्सर कीटनाशक का प्रयोग समाप्त होने के बाद ही पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। इसकी वजह से चाय की पत्तियों पर कीटनाशक के अंश रह जाते हैं। आमतौर पर कीटनाशक का छिड़काव लगभग 10 से 20 दिनों के बाद पत्तियों को तोड़ा जाता है। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो उसमें ज़्यादा कीटनाशक होने की आशंका होती है। भारतीय चाय बोर्ड ने 25 मई को सभी उत्पादकों और ब्रोकरों को एक निर्देश जारी निगरानी की बात कही थी, ताकि नीलामी के दौरान FSSAI के तहत मानकों को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।